पूर्वी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तेरी शादी हो गई है। गॉड तेज, अभी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने हाँ कही है। हाँ हाँ वही, लेकिन ये सब कितनी जल्दी में हो रहा है ना। तूने 2 मिनट में हाँ भी कर दी, मैं तो सोच रही थी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड मैं ही हूँ, पर तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली, तू तो मुझसे भी ज्यादा बोल्ड है। नहीं तेज, तेज मैं बोल्ड नहीं हूँ। एक्चुअली तेज, तुझे पता ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ना हम दोनों की परवरिश अलग अलग माहौल में हुई है, अलग अलग कल्चर में। और रही बात विनय की, तो विनय एक अच्छा लड़का है, मेरे ऑफिस में काम करता है। मुझे उसका नेचर, उसका रहने सहने का तरीका, उसकी सोच, सब चीज़ के बारे में पता है। तो फिर रिजेक्ट करने की तो कोई वजह ही नहीं थी ना, और अगले 1-2 साल में तो शादी करनी थी ना, तो फिर अब क्यों नहीं? मुझे विनय की अच्छाई और अपनी आई के फैसले पे पूरा भरोसा है। हाँ मैं मानती हूँ कि शादी के बाद मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे उस सफर में भी ना मेरी आई हमेशा मेरे साथ होगी। हाँ सो तो है, वैसे अर्चना आंटी की चॉइस तेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती, आखिरकार उन्होंने दुनिया देखी है और वैसे भी उन्हें अपनी शादी से भी तो बड़ा एक्सपीरियंस है। I'm sorry, पूर्वी, वो क्या है, मैं आंटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती थी। हाँ तेज मैं जानती हूँ, तो आई के बारे में गलत क्यों बोलेगी? वैसे तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पता नहीं तेज, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। लेकिन पता है, पापा के ना आने की वजह से ना आई को बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने ये बात नहीं छेड़ी। अब सो जा, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके। वैसे पूर्वी, तूने एक बात नोटिस की है? मैं भी जाने अनजाने में आंटी को आई बोलने लगी हूँ। आई मीन सब कैसे हुआ, कब कहा, नेचुरली पता है मेरे मुंह से उनके लिए आई निकलता है। हाँ तो तेज, अब तू भी तो आई की बेटी बन गई है ना। अब सो जा मेरी माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो। पूर्वी बेटा, मैं बोल रहा हूँ। पापा? तेरे पापा? जी पापा। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुम्हारी आई ने मुझे बताया तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा, बाबा आप क्यों नहीं आए? सॉरी पूरी, मैंने अर्चना से कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अचानक एक क्या एक जरूरी काम आ गया तो। पापा मैं जानती थी कि आपको जरूर कोई काम आ गया होगा, मैंने बल्कि आई से भी कहा था कि आपको कोई काम आ गया होगा वरना आप जरूर आते। वैसे पापा आपने मुझे फोन करके विश किया ना, मेरे यही बहुत है। मैं जानती हूँ कि आप और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। मानव कौन कहता है कि आप बदल गए? नहीं, आप मेरे पहले वाले मानव ही हैं, जिनके दिल में हमेशा हमेशा सबके लिए प्यार रहता है। सर मुझे इसी वक्त घर जाना है, मेरा एक पर्सनल काम अटका पड़ा है। Well, अगर आप आपने हार मानी लिए तो अपना रेजिग्नेशन मुझे देते हुए जाइए। या आप जिस इंसान के साथ तो काम कर ही नहीं सकती सर, और आप रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी इसी वक्त जॉब से रिजाइन करती हूँ। आप जीत गए मिस्टर अचुत, हमारी रोज की प्रॉब्लम्स का ना इससे अच्छा दिया और हो ही नहीं सकता। और रही बात मेरी जीत की,
तो मेरी जीत सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आज के दिन हार मेरी नहीं आपकी। उर्दी को काम से निकालने के लिए मैं कितना डेस्परेट था। हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो ये काम छोड़ के निकल जाए, और आज जब वो जा चुकी है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? मनोज हाँ? क्या हुआ? वो सारे लोग वहां पर क्यों जमा हुए? पूर्वी मैडम ने रिजाइन दे दिया। क्या? पूर्वी ने तो वाकई में रिजाइन किया है, लेकिन उसने इस बारे में मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विनय, कम टू माय कैबिन। मिस्टर विनय, आज हमारे ऑफिस के सुपरवाइजर आप, क्योंकि यहां पर पूर्वी नहीं है तो उनका सारा काम आपसे। लेकिन सर पूर्वी जा चुकी। काफी एरोगेंट लड़की थी, निकाल दिया मैंने उन्हें काम से। वैसे you know the best part, उनका resignation letter मैंने उन्हें खुद टाइप करवाया, so it was fun. Well, ये मिठाई का डब्बा किस खुशी में? सर मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, कल मैंने उसी के लिए छुट्टी ली थी। congratulations. Thank you sir. Nice. ये उसी के लिए। Well, हमें पहले बता दिया होता, we should have thrown a party yaar, after all tum hamare associate ho. वो सर मुझे उसका जवाब मालूम नहीं था, मैं चाहता था कि पहले वो हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह दे, उसके बाद ही मैं सबको बताऊंगा। स्मार्ट मूव। वैसे कौन है ये लड़की? वो हमारे ऑफिस में ही काम करती है सर, आई मीन करती थी। हमारे ऑफिस में कौन थी वो? पूर्वी। आप भूल रहे हैं कि ये कैबिन आपके बॉस का है, and you have to knock the door before you enter. अच्छा, बहुत सारी उम्मीद है ना आपको अपने एम्प्लॉई से कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत तरीके से निभाए, तो शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने एम्प्लॉईज के पास। सर आई एम रियली सॉरी विनय, एक्चुअली विनय देखो मैंने जाने अनजाने में तुम्हारी फियांसे के बारे में काफी बुरा भला कह दिया, और लिसन मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पे था, पर्सनली कोई। इट्स ओके सर, मैं जानता हूँ कि आपके और पूर्वी के प्रोफेशनल रिलेशंस कुछ खास नहीं थे, कई बार तो मैं भी वो टेंशन फील कर चुका हूँ, इसलिए आज मन में एक थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं आप हम दोनों के रिश्ते के बारे में सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। बट नाउ आई एम फाइन। सर मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि पूर्वी ने रिज़ाइन कर दिया है, कल शाम को तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ऑनेस्टली अगर वो मुझे पहले बता देती कि उसका पर्सनल काम तुम लोगों से रिलेटेड है और इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे छोड़ देता और ये नौबत नहीं आती। बट इट्स ओके सर, अब जो हुआ से हुआ। सर हमने हमारी शादी तय होने की खुशी में एक छोटा सा डिनर रखा है, कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और ऑफिस के कोलीग्स भी आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारी इस खुशी में शामिल हो जाए। नो विनय, एक्चुअली ऑफिस में काफ़ी काम है विनय, और यू शुड एंजॉय। ओके, जैसा आप ठीक समझे।
गुड मॉर्निंग पूर्वी। गुड मॉर्निंग विनय, कैसे हो? ऑफिस में हूँ। वो विनय, मुझे ना से कुछ बात करनी थी। विनय अब मैं ऑफिस जानता हूँ मैं। विनय एक्चुअली मैं तुम्हें सब कुछ कल ही बता देना चाहती थी, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। ठीक है पूर्वी। पूर्वी मुझे नहीं पता कि तुमने रिजाइन क्यों किया है, लेकिन हाँ अगर तुम अपने इस फैसले से खुश हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स विनय। विनय तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ये फैसला बहुत ही कैजुअली लिया है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुश हूँ इस फैसले से। गुड मॉर्निंग। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत खल रही है। कौन सी बात पूर्वी? मैंने ये बात अभी तक आई को नहीं बताई, अगर उसे पता चलेगा ना तो। उन्हें पता चल गया पूर्वी। क्या? वो इस वक्त नोटिस बोर्ड पर तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर पढ़ रही है। फिर अब वो मुझसे बहुत नाराज होगी, मैंने अभी तक उसे बात नहीं बताई। और ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें संभालता हूँ। थैंक्स विनय। मैं बाद में बात करता हूँ। विनय ये पूर्वी, ये आंटी पूर्वी आपको बताने ही वाली थी, पर मैं जानती हूँ कि उसने क्यों किया। मैं कौन सा तरीका है किसी के कैबिन में आने का? आप भूल रहे हैं कि ये कैबिन आपके बॉस का है। And you have to knock the door before you enter. अच्छा, बहुत सारी उम्मीद है ना आपको अपने एम्प्लॉई से कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत तरीके से निभाए, तो शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने एम्प्लॉईज के प्रति। मिसेस अर्चना, इस वक्त आप जो कुछ भी कह रही हैं समझ नहीं पा रही, और इस तरह का मैनरलेस बिहेवियर मेरे मैनर्स छोड़िए, आप अपनी तरफ देखिए। आपने जो कुछ किया है बिल्कुल गलत किया है। आपको कोई हक नहीं बनता कि एक होनहार और एक ईमानदार एम्प्लॉय को इस तरह ऑफिस से निकाल दिया जाए। तो आप अपनी बेटी की बात करेंगे? I'm not wrong. Well, Mrs. Archana, आप बेटी को मैंने इस ऑफिस से निकाला नहीं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन खुद दिया। और रही बात उन्हें इस ऑफिस में वापस रखने की, तो आई एम क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड। एक सेकेंड, अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूर्वी को इस कंपनी में वापस लेंगे और वो एक कंपनी वापस ज्वाइन करेगी, तो आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरी बेटी इस कंपनी को वापस कभी ज्वाइन नहीं करेगी। और अगर ये लग रहा है कि मैं आपके सामने भीख मांगने आई हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को इस कंपनी में वापस ले ली, तो भूल जाइए। एक सेकंड, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं आपको आपकी गलती का एहसास दिला सकूं कि आपने कितनी बड़ी गलती, मेरी बेटी को इस जॉब से निकाल दिया ना आपने। कोई बात नहीं, इसमें नुकसान मेरी बेटी का नहीं बल्कि आपका है, आपकी इस कंपनी का। एक सेकंड, आप थोड़े दिन पहले इस कंपनी को ज्वाइन किए, लेकिन मैं और मेरी बेटी हमने इस कंपनी को उठते हुए देखा है, लेकिन ये कंपनी आज जितनी भी ऊपर है ना, ये मेरी बेटी की वजह से, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से। अरे आपको क्या लगता है कंपनी सिर्फ बालिक की वजह से बनती? नहीं, कंपनी एक एम्प्लॉय की वजह से बनी और ये कंपनी मेरी बेटी की वजह से बनी। आज मेरी बेटी को इतना नॉलेज है कि आपकी किसी एम्प्लॉय को शायद पता नहीं होगा कि आपकी कंपनी में क्या क्या होता है, लेकिन आपको उसका टैलेंट अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर अंधकार का पट्टा पड़ा है। जिस दिन ये निकलेगा ना, तब आपको सारी असलियत पता चलेगी। एक शख्स जब चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती कि वो क्या था, और शायद आपको उसी वक्त का इंतजार है जब मेरी बेटी यहाँ नहीं होगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरी बेटी ने इस कंपनी के लिए क्या किया है। That is it, Mrs. Archana. I have all the information to run this company. और इस कंपनी को आपकी बेटी की कोई जरूरत नहीं। होंगी आपके पास इंफॉर्मेशन, लेकिन उन सारी इंफॉर्मेशन का कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ मेरी बेटी जानती है। और एक और बात, मेरी बेटी में वो खूबी है ना कि वो लोगों से लोगों को जोड़ के रखती है हमेशा। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस कंपनी में अकेले बैठे और सोचे कि आपको पूर्वी के बिना इस कंपनी को कैसे चलाना।
इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक किसी ने मुझसे आवाज उठाकर बात नहीं की। ठीक है ठीक है, मैं भी ये साबित करके रहूंगा कि मेरी कंपनी को पूर्वी की कोई जरूरत नहीं। मेरी कंपनी पूर्वी के बगैर चल सकती है और उससे अच्छी चल सकती है। मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कोई भी मीटिंग पोस्टपोन नहीं की। ये सब पूर्वी हैंडल किया करती थी। सर आज का स्केड्यूल हमें हेक्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं जानते। वो तरीका पूर्वी जानती थी सर। आज ही आप लोग सब्जी वब्जी क्यों काट रहे हो? क्यों मतलब? शाम के लिए खाना नहीं बनाना है क्या? खाना? लेकिन आज रात तो हम पार्टी में जा रहे हैं ना? कैसी पार्टी तेज? विनय की पार्टी? नहीं, हम उस पार्टी में नहीं जा रहे हैं। क्यों? सुपर्ब, वेरी गुड। इन फैक्ट यू नो व्हाट आजी, मैं भी उस छोटी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक जगह में जाना ही नहीं चाहता था। ए मोटू, तू ना एक बात भूल रहा है कि तेरी बहन की शादी भी ना उस घर में होने वाली है। तो क्या शादी के बाद तू अपनी बहन से उस घर में मिलने नहीं जाएगा? लिसन, वो मेरी ही बहन है, मैं मिलूंगा ना, लेकिन किसी मॉल वॉल में मिलूंगा। आजी, इससे तो बात ही करनी बेकार है। आप ही बताइए ना, हम क्यों नहीं जा रहे? वैसे विनय का घर बहुत छोटा है और आने वाले मेहमान बहुत ज्यादा है। उसने ऑफिस के भी उसके दोस्तों को बुलाया है, ऊपर से हम 6-7 लोग वहां जाएंगे तो काफी भीड़ हो जाएगी। और हम वहां जाएंगे तो उनकी मम्मी को हमारा ख्याल रखना पड़ेगा, उन्हें तकलीफ होगी। तो मैंने सोचा कि हम फिर कभी जाएंगे। आजी, मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आजी, मुझे विनय का घर देखना है। अरे तो देख लेना, अभी तो पूर्वी की सगाई बाकी है, जब सगाई होगी तब देख लेना। हाँ ये भी ठीक है। चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। क्यों? दरअसल मैं पूर्वी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदना चाहती हूँ और आजकल की लड़कियों की पसंद मैं नहीं जानती, तो तू मेरे साथ चलेगी ना, तो तू उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लेना, ठीक है? हाँ जी, चलते हैं। क्या है ना, मुझे भी अपने लिए कुछ नए कपड़े लेने हैं। पूर्वी के एंगेजमेंट में मैं भी तो कुछ नया पहन के जाऊंगी ना। सर, आपने बुलाया मुझे। मुझे आज का मीटिंग शेड्यूल चाहिए प्लीज, लेट मी नो। सर, आज 1:30 बजे आपका न्यू सप्लायर्स के साथ में मीटिंग है, जहाँ पे आप अपना रॉ मटेरियल्स का फाइनल अमाउंट डिस्कस करेंगे। Okay. उसके बाद में 2 बजे आपका मिस्टर जुनेजा के साथ में लंच है, जहाँ पे उनके न्यू प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 बजे आपका जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। Just a second. Hold on. Mr. Vinay, can you please come into my cabin? Thank you. Hold on. Vinay, आपने आज का स्केड्यूल देखा? प्लीज एक्सप्लेन कि एक इंसान इतनी जल्दी सारी की सारी मीटिंग्स कैसे अटेंड कर सकता है? प्लीज एक्सप्लेन। बट सर, यहाँ जो मेंशन किया गया, किसने बनाया स्केड्यूल? सर, मिस पूर्वी ने। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जब मिस पूर्वी इस ऑफिस में काम ही नहीं कर रही है, तो ये स्केड्यूल उन्होंने कैसे बनाया? सर, उन्होंने कल ही ये मीटिंग का स्केड्यूल तैयार किया था। एक्चुअली वो हमेशा एक दिन पहले ही मुझे अपने मीटिंग के स्केड्यूल बनाने को कहती थी। आप एक काम कीजिए, जस्ट हैंड इट ओवर टू विनय प्लीज। जी सर। यू मे लीव। थैंक यू। मतलब क्योंकि ये स्केड्यूल बन चुका, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी कि ये स्केड्यूल हम फॉलो कैसे करें? एक इंसान इतनी जल्दी सारी की सारी मीटिंग्स कैसे अटेंड कर सकता है? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन मिस्टर विनय, प्लीज आंसर मी। दिस कैन बी हैंड। 1:30 बजे सप्लायर के साथ जो मीटिंग है वो, और 2 बजे जो मिस्टर जुनेजा के साथ मीटिंग है वो, इन दोनों मीटिंग को मैं अटेंड कर लूंगा। और सर, इन दोनों मीटिंग की लोकेशन बहुत ही पास पास है, तो मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। और 3 बजे जो ऑफिस में मीटिंग है वो आप अटेंड कर लीजिएगा। So you're trying to tell me कि 3 बजे की बोर्ड मीटिंग में तुम प्रेजेंट नहीं रहोगे? सर, एक्चुअली उन दोनों मीटिंग को खत्म करके आते आते मुझे बहुत देर हो जाएगी, और अगर मुझे ऑफिस की मीटिंग भी अटेंड करनी है तो ये मीटिंग हमें पोस्टपोन करनी होगी। मिस्टर विनय, मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कोई भी मीटिंग पोस्टपोन नहीं की। ये सब पूर्वी हैंडल किया करती थी। सर, आज का स्केड्यूल हमें हेक्टिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका नहीं जानते। वो तरीका पूर्वी जानती थी सर, और इसलिए प्लान की हुई सारी मीटिंग्स एकदम आसानी से हो जाती थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर पूर्वी नहीं है,
आप उसकी तरह काम नहीं कर सकते। आई विश कि मैं उसकी तरह काम कर पाता सर। सर पूर्वी का टाइम मैनेजमेंट स्किल इतना परफेक्ट था कि पूछे मत। एंड आई रियली एडमायर हर फॉर दैट। अर्जुन, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचे। Because these employees, they are blessed. They are like an asset for us. And assets are always more important than the liabilities. और ये फर्क तुम्हें बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा। ढूंढोगे तो जिंदगी में नजर आएगा।